वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम सिमरदीप सिंह है, मैं जलंधर तो हाँ। अज महाराज का पहला प्रकाश पुरब है, वो पहले तो सारी संगतान लख 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 वधाई। महाराज ने कृपा की सानू पाक साढ़े जड़े महाराज ने सानू बुलाया, तो अज आतिशबाजी हुई है वेख के इन्ना नज़ारा, मतलब कह सकते हैं कि आया इदा की कितने देखी नहीं असी आतिशबाजी। तो महाराज ने सानू मौका दे दिता आन का पहली बारी इतने। महाराज असं कोटान कोटान शुकराना करते हैं कि महाराज ने सानू सद्या, तो बहुत वधिया लग्या सानू आ के महाराज ने। तो महाराज सारे दा मेहर भरिया हाथ रखन, तो एक बार फिर सारी संगत को लख लख वधाइया। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। मेरा नाम हरविंदर सिंह है जी, मैं अमृतसर का रहने वाला हाँ। तो पहला तो सारी संगतान श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रकाश पहले प्रकाश पुरब दी लख लख वधाइया जी। तो बहुत ही वधिया लगा आतिशबाजी वेख के, तो बहुत ही मनमोहक नज़ारा वा। हाँ जी, हर बार वेखी जी आतिशबाजी वेख दी। हाँ जी, इस बार जिदा कि देख सकते कि संगत का बहुत ज़्यादा हैगा वे, घट देख सकते हो। जो श्री सचखंड श्री दरबार साहब सजावट की गई है बहुत ही मनमोहक है, वधिया की गई है, बाकी तुम देख ही सकते हो। पहले तो गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पुरब दी लख लख वधाइया। अज असीं श्री हरिमंदर साहिब आए जिथे आके बहुत ही वधिया लगा, बहुत सोहना नज़ारा, संगत की श्रद्धा वेख के मन नूं बहुत खुशी हुई, नाल आतिशबाजी का आनंद वखरा ही वेखण योग सीगा। बाकी डेकोरेशन जो भी सारा बहुत ही मन नूं प्रसन्न करने वाला होया। पहला भी देखते सी, अज भी पहली बार नहीं, बट बहुत वधिया लगा, बहुत सोहना मज़ा आया। पहला नालों कुछ अलग है, अज मैनू लगता है संगत ज़्यादा है क्योंकि लॉकडाउन करके थोड़ा जहा कितने ना कितने बहुत फर्क पिया सी, पर अज के टाइम हूँ बहुत वधिया सेम उदा ही संगत की श्रद्धा वेख के मन बहुत खुशी हुई। मेरा नाम धर्मवीर सिंह है जी, मैं अमृतसर शहर का वासी हाँ जी। सो अज गुरु घर नतमस्तक होने आए हैं, पावन प्रकाश गुरपुरब है, पहला प्रकाश गुरपुरब है। आप सब मीडिया कर्मियों दूर दरेडा तो देशों विदेशों बैठिया संगतान इस पावन अवतार गुरपुरब दी बेअंत बेअंत वधाइया हो जी। बहुत सुंदर नज़ारा जी, आतिशबाजी हुई है, जो लाइटिंग की गई है, फुलों ना सजावट की गई है, सो बहुत ही मनमोहक अंदर दृश्य जी देखने वाला है। अंदर मन को इन्ना सुकून शांति मिलती गई है, जो परमात्मा सारे कार्य करने वाला आप है, फिर उसके चरणी से लगना बनता ही है जी।